और इस बीच बड़ी खबर बता दें, यूपी में सियासी उलटफेर के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ आज आला अधिकारियों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। विभागीय काम की समीक्षा करेंगे, कामकाज का यहां पर ब्योरा लेते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, इसके बाद इस उलटफेर के बाद सियासी जो माहौल बना हुआ है इसको लेकर के कहीं ना कहीं आज बड़ी बैठक होने वाली है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। शुभम, विभागीय कामकाज की समीक्षा आज हो जाएगी और इसके साथ साथ अधिकारियों से कामकाज का ब्यौरा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जाए, जो प्रदर्शन रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रही है। बिल्कुल, देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ा उलटफेर भी किया है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अपने आला अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक के अपने आप में तमाम मायने हैं। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम भी लंबित थे, क्योंकि चुनाव की वजह से आचार संहिता जो कि लागू थी, इन तमाम चीज़ों की वजह से विकास कार्य बाधित हो रहे थे। लिहाजा आज एक बड़ी बैठक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, कहां तक उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो बीते दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव रहे, उन चुनावों में क्या कुछ काम को लेकर के जनता ने कुछ क्या सोचा विचारा, या इसके साथ साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट आखिर क्या रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जमीन पर थी, तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों से भी वो सवाल जवाब कर सकते हैं कि आखिर हम भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कार्यों की बात को लेकर के जनता के बीच में जा रही थी, आखिर ग्राउंड निश्चित ही शुभम। और ऐसे में जिस तरीके से इस चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो 37 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी अकेले लेकर के आई है, जो कि बीजेपी के आंकड़े से भी ज्यादा है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, जो कि पिछले चुनाव में 2019 में महज एक सीट के साथ नजर आई थी, इस बार 6 सीट जीत जाती है। इतना क्या बड़ा उलटफेर हुआ, इसकी पड़ताल यहां पर की जा रही है, समीक्षा भी लगातार पार्टी के भीतर चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए आज की इस बड़ी बैठक की, तो आज जो ये बड़ी बैठक होने वाली है, कौन कौन से दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे? आला अधिकारियों की बात करें तो कौन कौन से आला अधिकारी? दिग्गजों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार के टॉप से लेकर के बॉटम तक के तमाम अधिकारी सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था, विकास से संबंधित तमाम अधिकारी, चाहे किसान से संबंधित, कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी, इसके साथ साथ PWD, सड़क निर्माण, इससे तमाम आप समझिए कि जो ऐसे विभाग किसी भी प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करते हैं, किसी भी प्रदेश की कह सकते हैं आपके भी एक पिक्चर के रूप में, एक चेहरे के रूप में होते हैं, उन तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ ये बैठक है। तो ऐसे में तमाम चीजें सोचने को है, तमाम चीजें विचारने को है, क्या कुछ आज दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं, क्योंकि अभी भी अब अगर प्रमुख तौर पर हम देखें कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव होने, तो 2027 का है, तो लिहाजा 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसके पहले 24 में क्या कुछ, अगर कहीं कुछ कमियां रह गई तो उसको 27 तक पूरा करने का प्रयास, और उसके साथ साथ क्या प्रमुख एजेंडे रहेंगे, किन प्रमुख चीजों पर अब आगे आने वाले दिनों में सरकार को काम करना है। निश्चित ही, और महज इन सीट्स पर ही नहीं शुभम, कई ऐसे सीट्स थी जहां पर मजबूत स्थिति में पार्टी थी बीते चुनाव में, लेकिन इस बार जो परफॉर्मेंस रहा वो बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी को सोचने की जरूरत है कि कहां ये लूपहोल रहा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। Co-presented by Ghadi Detergent.